वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आज व्लॉग करने नहीं वाली थी, आई जस्ट केम फॉर शॉपिंग एंड सडनली ऐसे प्लान बन गया कि हम मूवी देखने जाएंगे। सो गाइस, क्या जा रहे हैं देखने? कौन सी मूवी है ये तो मुझे पता ही नहीं, ये मुझे पता ही नहीं। अरे यार, बस मुझे ये पता है कि सस्पेंस वाली है, मर्डर मिस्ट्री टाइप है। वो भी सडन प्लान बना, ऐसे सोच के नहीं आए थे। हाँ, और कोइंसिडेंस देखो, मैंने उस दिन भी यही टी शर्ट पहनी थी। अबे भाई हो मैंने आज मैंने भी टी शर्ट पहनी है। मैंने भी ये वाली शर्ट पहनी थी पिछले ब्लॉग में आकांक्षा के बर्थडे वाले में। गाइस लेट्स नॉर्मलाइज रिपीटिंग क्लोथ्स, हमने पैसे खर्च किए हैं। हाँ। तो आई थिंक हमें कपड़े रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत लेट से निकले थे, बस हमें ये था कि हम शॉपिंग प्राणी को प्राणी वो देखो उसकी वो देखो चालीस और अभी बज रहे हैं 10:30, सो वी हैव सम 10-15 मिनट्स। हम अंदर जाएंगे, हम पॉपकॉर्न खरीदेंगे। ठीक है यार, लाइक अगर मूवी देखने जा रहे हो पॉपकॉर्न नहीं खा रहे तो ए आई जस्ट वांट टू शो माय आउटफिट। वेट, पहले ये कर लो। हां, ये बहुत जरूरी है, पता है। आउटफिट देखो, टी-शर्ट सेम है, बट आई हैव स्टार्टेड अ डिफरेंट वे। सो बुलेट ट्रेन में धर्मेंद्र नहीं था? नहीं, उसमें था दबंगी ट्रेन में। ओ वो तो भाई मैंने भी देखी है, मैंने भी देखी है। नेशनल टीवी पर आती है बचपन में, संडे 4 बजे आती थी। सैंपल टेस्टिंग को लग तो रहा है कि कुछ ऐसा अंडरडॉग सा है, अंडररेटेड सी है, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है प्लस राजकुमार राव थोड़ा समझदारी से ही करता है पिक्चर, तो लग तो रहा है कि यार कुछ बढ़िया सा निकला। इसका मैंने ट्रेलर देखा, मेरे को तो सही लग रहा था। आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर आल्सो। मेरे को लगता है इसकी ना वही है कि इसकी थोड़ी हाइप और मार्केटिंग ठीक से नहीं हुई है, तो इतना पता नहीं चला इसके बारे में, पर इसका ट्रेलर मेरे को सही लग रहा है। ये रीमेक है शायद किसी साउथ इंडियन तेलुगु फिल्म की, तो देखो प्रोबेबली लग तो रहा है कि कुछ बढ़िया का देख के निकलेंगे। आल्सो नाउ दैट वी हैव कम फॉर द मूवी, आई थिंक वी शुड गिव अ रिव्यू आफ्टर द मूवी। व्हाट डू यू से, शैल वी? सो गाइस स्टे ट्यून्ड, अब मूवी के बाद आपको बताने वाले कि हमें कैसी लगी, इफ इट्स वर्थ वाचिंग और नॉट। तो तुमने लास्ट मर्डर मिस्ट्री मूवी कौन सी देखी थी? ये तो कितनी देर से सोच रहा था। क्या रहा याद नहीं आ रहा, 2 साल पहले। हां, इतना ही होगा ऐसे कुछ। तूने कंचन? आई थिंक मैंने अभी इसी मंथ देखी थी। मैं तो ट्रायल ऑफ अ मर्डर। क्या ट्रायल ऑफ अ मर्डर देखी थी मैंने, एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री, 1 घंटे की फिल्म। सस्पेंस खतरनाक था। हां, ऑफ कोर्स। हम तो यार जीते ही अब सस्पेंस के लिए, हम तो कोई चीज़ वो करते हैं, क्या बोलते हैं, लिखते हैं तो उसमें पहले सोचते हैं सस्पेंस क्या होगा। बिना सस्पेंस के उसको आगे नहीं बढ़ाते हम। 18 जड़ी बूटियों से
All my friends are toxic, all ambition. कितना पैसा कमाओगे कितना पैसा कमाओगे छोड़ दो यार छोड़ दो और कब तक कमाओगे कब तक कमाओगे डाउनलोड मेरी बड़ी कब तक इंटरवल टाइम कैसे लग रही है मुझे मैं कुछ ज्यादा डिस्क्राइब मत करियो कि हम अभी रिव्यू देंगे तो बस कैसी लग रही है लाइक गुड एवरेज और ओके एवरेज लग रही है मेरे को तो बढ़िया लग रहा है फर्स्ट हाफ सही लगा मेरे को भी देखो क्योंकि अभी तक भी समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है तो ये बहुत बढ़िया चीज है And I want to eat something else, so I'm gonna take. Do you want something? Do you want something? Pasta. I won't share. Yeah. Chill lenge. Chalo, theek hai. I'll just get some dude. नहीं नहीं सच में नहीं खा लो हम छीनने में बिलीव रखते हैं बाकी रहन दो इसके ऊपर गाना ही बना दिया सीधा की कहानी बाकी है पर ये कितना रिस्क है अगर पार्ट वन नहीं चला तो पार्ट टू कैसे रिलीज करेंगे अभी हमें रिव्यू देना है मत बोलियो नहीं 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 पार्ट वन बहुत नहीं मतलब चले ऐसे मूवी खराब नहीं है पर मार्केटिंग ही नहीं है रीच ही नहीं है कोई इसकी खाली बड़ा है वाल करते हैं बात निकल जाते हैं फिर करते हैं बात चलो चलो तो गाइस फाइनली हमने मूवी देख ली आपको बहुत ही क्विकली एक रिव्यू दे देते हैं अपना अपना एंड आई विल स्टार्ट ओके सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई थॉट कैरेक्टर्स की कास्टिंग वॉज नॉट राइट मतलब अगर स्टोरी में कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कन्विंसिंग नहीं है तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेक लगने लगती है आई फेल दैट एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राजकुमार राव इज द लीड कैरेक्टर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट्रेस सानिया बटोत्रा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर कास्ट मुझे लगा वो थोड़ा सा वीक पॉइंट था आई थिंक स्टोरी वॉज नाइस बट इट कुड हैव बीन डिलीवर्ड इन अ बेटर वे अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से क्यूरेट किया गया होता इट वुड हैव बीन अ बेटर एक्सपीरियंस टू वॉच दिस मूवी सो अगर लाइक आपको बॉलीवुड मर्डर मिस्ट्रीज और ऐसी मूवीज पसंद है तो इट्स वन टाइम वॉच आप जाके देख लो बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही बढ़िया मूवी की बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको सो इट्स लाइक वेरी एवरेज ओकेश मूवी यू टेल मेरे को तो सही मतलब अबव एवरेज एक फिल्म है और मर्डर मिस्ट्री सही है मतलब मर्डर मिस्ट्री अच्छी ही लगती है अगर थोड़ा सा पे ऑफ कर देती है क्लाइमैक्स में आते आते बस मेरे को यही लगा कि ओवरऑल मतलब राजकुमार राव तो यार बहुत बढ़िया मतलब हमेशा बढ़िया ही करता है और मेरे को बस ये लगा कि थोड़ा सा ना अगर मार्केटिंग और ठीक से होती है इस पिक्चर की थोड़ी सी मेरे को वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी लोगों को पता ही नहीं चला इस पिक्चर के बारे में हमें भी नहीं पता था मतलब आई डिडंट नो अबाउट इट कब आई कब गई पिक्चर के बारे में नहीं पता था अगर पिक्चर के बारे में पता चल जाता ना लोगों को तो एक डिसेंट वो है ये मतलब क्योंकि इतना खराब खराब भी आता है यार थिएटर में ये तो ठीक है अब एवरेज फिल्म लगी मेरे को ऐसा बिल्कुल वाओ नहीं था कि एकदम माइंड ब्लोन हो जाए आपको क्लाइमैक्स देख के लेकिन एक अच्छा डिसेंट पे ऑफ है जो मर्डर मिस्ट्री एक होता है ना सही मेरे को तो सही लगा और वन मतलब होता है ना कि अब जैसे छोटी फिल्में होती हैं छोटी बजट की छोटी फिल्में होती हैं उस हिसाब से एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री है आप नहीं गेस कर पा रहे क्या होने वाला है ऐसा नहीं है कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था पर डिसेंट एक्सपीरियंस था सही था बोला
मुझे मूवी बोला मसंद, बोला मसंद बताएंगे अब कितने पॉइंट मिलते हैं इसको पांच में से। यार जिस हिसाब से तूने बताई थी ना कि मर्डर मिस्ट्री है तो मुझे, मैं बहुत उम्मीदें लेके गया था। अच्छा हाँ तो फिर ना मुझे जो पहला बिफोर इंटरवल जो था ना फास्ट, वो मुझे स्लो लगा। अच्छा फिर जो आफ्टर इंटरवल था ना वो बहुत फास्ट लगा मुझे। अच्छा फिर जैसे जैसे जो क्लाइमेक्स आ रहा था ना तो मुझे लगा कि मतलब दिमाग घूम जाएगा। ओ हाँ नहीं तो मुझे मतलब शराब पी के देख लेते तो मुझे ना क्लाइमेक्स नॉर्मल लगा, ठीक ठीक लगा कि मतलब कि बोला इससे बेटर लिख सकता है ऐसा वाला है। नहीं बोला कि इंस्टाग्राम रील्स चेक करो इससे बेटर लिखा हुआ है वहां पे। बोला कि इंस्टाग्राम रील्स देखो ना वो है सस्पेंस थ्रिलर, आपको नहीं पता लगेगा उसमें क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। और एकदम वैसा वाला है कि आप ही को आप गेस नहीं कर सकते क्या होने वाला है। इसलिए आउट ऑफ 10 हाउ मच वुड यू रेट द मूवी? आउट ऑफ 10 4 4 okay. तो ये ठीक ठीक लगी तुझे? हाँ, how much would you rate? 6-7 सही है। Yeah, I think I'll also rate it 5-6. I personally feel कि script had potential, but it could have been delivered in a better way. तो उसका better experience होता, but ठीक है, one time watch है. Like if you want to experience murder mystery sort of a movie with a good acting of Rajkumar Rao, तो आप जाके। Rajkumar Rao ने बढ़िया किया है। हाँ, he was totally in his character throughout, like from कहीं ऐसी कोई मजाक या कोई ऐसी फालतू की चीज, क्योंकि जो बन रहे थे I'm so sorry to cut, but don't be sorry, बोलो adding to that joke वाली बात पे, throughout serious movie चल रही है and बीच-बीच में they have given punchlines and the characters are not breaking their character in between. मतलब वो इतनी अच्छी punchline है कि पूरा theater हंस रहा है, हम भी हंसे उन पे, बहुत अच्छी अच्छी lines उन्होंने बीच में डाली हैं, which was something new and different I have experienced in terms of murder mystery sort of a movie. So yeah, that was really good. हाँ, continue please. हाँ, यही वाली बात. यही बात. Copy paste guys. So I think yeah, that was all. हम घर भी पहुँचने ही वाले हैं. अब vlog में होगी. अच्छा vlog. एकदम ही चलेगा यार. अच्छा. Vlog में चलो pretends करो. बेटू. Pretends करो. We have got t-shirt for him. So guys, हम जब shopping कर रहे थे तो I was searching for a t-shirt for him from so long and finally हमने एक shop पे मिल गया, तो हम लेके आए हैं. Let's just try कि उसके ऊपर कैसा लगता है. अरे खाना नहीं है बेटू, खाना नहीं है सही नो. Good boy. हमारे माँ बाप ने लेके आया कभी हमारे लिए इतने महंगे स्टोर से? तेरे को याद भी होगा क्या बचपन में? बिल्कुल याद होगा. बचपन याद है तेरे को? ये 2 महीने का है, तेरे को याद है? बचपन उसी को कहते हैं. क्या नाम है? 1-2 साल. बोला जलन हो रही है क्या? जलन हो रही है क्या? गाइस रीजन ये था इसको पहनाने का, बिकॉज इसको ना थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो रात के टाइम ये एसी में सोता है, तो वी वर वेरी स्केयर्ड कि इसको ठंड ना लग जाए, बिकॉज चेस्ट पे ना ठंड लग जाती है. तो वी ट्राइड एक दो टी शर्ट पहले भी, बट वो इसको थोड़ी बड़ी बड़ी आती थी, बट दिस वन इज सो परफेक्ट. गुड बॉय. ओलेवेटू फिटिंग के कपड़े हैं एंकर के. बोला आज भी इससे हल्की, ये इससे सस्ती है जो इसने पहना है ना, ये इससे सस्ता पहन रखा है इसने. एक घर में मूव हो जाएगी क्या ये? आज इसको पहली बार छोड़ा है 3-4 घंटे के लिए अकेले. अल्लाह अकेले नहीं, साथ में यहाँ पे लेकिन आज 3-4 घंटे के लिए हमने, अब इसको हमारी कदर हो गई हुई है. मुझे कोई लेना देना नहीं है. अब तुम कोई नई चीज खिला रहे हो, कोई नई चीज लेके आए हो तो बात करो. इसके लिए खिलाओ, वो भी तो लेके आए थे. बेटू
ये नया गिफ्ट तेरा स्वाद नहीं आ रहा, नमक डाल दो इसमें स्वाद अनुसार। आपको क्या देखना पसंद है।